Assalamualaikum Pakistan and welcome back to the One to One podcast. आज बहुत एक अजीम शख्स आया है मेरे पास, a very good friend of mine, an influencer, a football team manager, ठीक है? He does it all. He's an actor as well. Ladies and gentlemen, no one else than Fizan Samir. Fizan, welcome. Thank you so much, Ali. Thank you for having me. और माशाल्लाह इधर तो क्या ही चार चांद लगे हैं। सर सर आप जैसे you know प्यारे लोगों के लिए हमने सेटअप किया है कि आए and let's start talking. So Fizan, in general, tell me how your life is these days. Ali yaar, post lockdown, I think everything has been is changed now. Yeah. और जो चीज पहले जिस तरह की हमारी लाइफ है और जिस तरह का हमारा काम है is more related to the work outside your homes. Yeah. But post लॉकडाउन मतलब काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पहले नज़र नहीं आती थी, अब नज़र आना शुरू हो गई हैं. लोगों ने अडाप्ट करना शुरू कर दिया, उसी तरह से हमने भी अडाप्ट करना शुरू कर दिया. हाँ, एक चीज़ है कि गेम कम हो गई है, वज़न ज़्यादा हो गया. Yeah, वो तो सब का ब्रो. और बस ये है कि अभी लाइफ इसी तरह से चल रही है. तो फिजान, अब जहाँ तक आई बिन फॉलोइंग यू, ठीक है, ऑन योर इंस्टाग्राम, यू हैव डेडिकेटेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स टू फुटबॉल एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली. सो नाउ आई वांट टू टॉक about your football journey, ke where you were, how it was and how it is now and where you are now in the rankings of football in Pakistan and promoting it. Yaar, Ali, football has been always been a passion for me. aur jo mujhe kehte hai na internal khushi kisi ek cheez se milti hai har bande ko, mere liye wo hamesha se football tha. I was the kid at my home, mere khandan mein, mere school mein, mere college mein, jo ki hamesha wahi ladka hota tha yaar, isko to football ka shauk hai, baaki sare cricket khelne ja rahe the. तो फुटबॉल इज नाउ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शायद मेरी पहली गर्लफ्रेंड भी रही है फुटबॉल, ठीक है. तो और उसकी वजह यही है कि बचपन से खेलना शुरू किया हम लोग. मैं आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल व्हेन आई स्टार्टेड इट. ओके. और आई स्टिल रिमेंबर वो ज़िनेदीन ज़िदान वाला वो वर्ल्ड कप था जिसमें वो क्रेजी हुआ था और फ्रांस बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीता. द हेडबट वन. तो उसमें ये था कि मुझे इसी तरह की याद है कि फिर मैंने फुटबॉल खेलना शुरू की. और उसके बाद मुझे नहीं पता था, लेकिन हमारी फैमिली में एक टीम हुआ करती थी रेड डेविल्स के नाम से. ओके. और फिर मैंने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया. और उनके साथ मतलब वी वर द गाइज जो कि एमेच्योर लेवल पे डैडी हुआ करते थे, ठीक है. नो मतलब मैं किसी को मक्खन मकान लाई नहीं जा रहा क्योंकि मैं खेला हुआ हूँ, लेकिन डैडी हुआ करते थे ये लोग सारे कहते हैं इस बात पर. बिकॉज देर वॉज दिस ईयर हमने एक साल में कोई 26 फाइनल खेले थे टूर्नामेंट्स के, जिनमें से हम 12 जीते थे. तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई. और उसके बाद दिस वॉज ऑलवेज अ पैशन फॉर मी. और आपको पता है कि हम लोग जो हैं बेसिकली अगर पैशन को अपनी रोजी के साथ किसी तरह से लिंक कर लें तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है. करेंटली आई एम मैनेजिंग अ फुटबॉल टीम, अ प्रोफेशनल फुटसॉल टीम वुड रादर बी राइट वर्ड टू से, बिकॉज मेरे पास जो स्क्वाड है वो 12 से 13 लड़कों के, एंड इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ 18. ओके. 18 इज अ कंपनी ऑफ दी जो कि तो उनके CSR के अंडर ये इनिशिएटिव है जिसके अंदर CEO ने खुद ये टीम बनाई है 12 लड़कों की. एक साइनिंग मैंने आगे की है अभी पिछले साल में, बाकी 12 लड़के पहले से थे वहाँ पे. एंड दीज गाइज आर ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी. दे गेट देयर मेडिकल स्पॉन्सर, दे गेट देयर एजुकेशन स्पॉन्सर, दे गेट पेड इफ व्हेन दे प्ले फुटबॉल फॉर 18. और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ जो इक्विपमेंट है और उसके अलावा जो सारा ये गेयर है और उसके अलावा ये फैसिलिटीज जो हैं कि ये जाना है वहाँ जाना है. वी वर सपोज टू गो टू इजिप्ट टू ट्रेन बिफोर कोरोना. Wow. हमारे पासपोर्ट जमा हो गए थे हमारा वीजा के लिए सब कुछ चला अच्छा, गया था. इतना 18 is doing for the players. Yeah, yeah. Wow. तो उसके अब you're like they're getting paid and you know सारी चीजें उनकी संभाली जा रही है. Will this be beneficial for football in Pakistan in the coming future? Can these kids, you know, will they be given an opportunity to go play in the upper league, go train somewhere else? जैसे आप अभी mention कर रहे थे, the entire team was going. अगर इनमें से एक लड़का है जो you know everyone's eyeing कि he is the next big thing, तो उसको ये भिजवा सकते हैं बाहर for you know further training. And is this basically beneficial for people in Pakistan and for football in Pakistan? Yeah, I think this is the only thing beneficial for the people of Pakistan who are playing football. Sure. We have the example कि हमने हमारे एक लड़के को Turkey भेजा, जहाँ पे he had his trial conducted by several clubs. Okay. He even got an offer from one, but उसके कोई family के issues थे और वहाँ पे पैसे थोड़े कम थे. Obviously Pakistan से game है amateur level के. Yeah. पैसे कम थे उसकी, उसका वो cost analysis नहीं बन रहा था benefit का. तो he came back. But we on the other hand we have this opportunity के
आगे पीछे अगर हमारा कोई लड़का इस तरह का है, हम उसको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो जाएं और ट्रायल्स में इस तरह से इंक्लूड हों. और उसके अलावा आई थिंक द एग्जाम्पल इट सेल्फ अली, कि एक कंपनी ऐसी आई जिसने इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया और उसमें से 12 लड़के मिले, वो अपॉर्चुनिटी तो चलो सिर्फ 12 लड़कों के लिए, लेकिन दिस एग्जाम्पल इट सेल्फ के इनको देख के जो और कंपनीज इस तरह के डिसीजन ले रही हैं या लेने वाली हैं, तो वो एक पूरी वेवलेंथ ही डिफरेंट हो जाती है. True. लोगों को इसी तरह से मौका मिलेगा. आई थिंक इसके अलावा कोई मौका नहीं मिलेगा. आई थिंक 18 इज द पायनियर ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट. इसके अलावा इमारत टीम, इमारत एक आ गई है. okay. इसी तरह से रियल स्टेट वाले हैं, उन्होंने अपनी फुटबॉल टीम बनाई है. ऐसे गार्डन्स लाहौर में है, रियल स्टेट वाले, उन्होंने अपनी फुटबॉल टीम बनाई है. और ये अब जो कल्चर है ना, ये एम्बेड होना शुरू हो चुका है. और आई थिंक इससे ऐसी चीज नहीं हो सकती उन लड़कों के लिए जो फुटबॉल खेल रहे हैं पाकिस्तान. ठीक है. एंड दिस इज ऑल बीइंग डन बाय प्राइवेट कंपनीज. दिस इज द थिंग दैट आई जस्ट मेंशनड इज बीइंग डन बाय द प्राइवेट कंपनीज. ओके, ठीक है. एंड जो इन जनरल पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन है, ठीक है, जिस व्हिच इज द बैक फॉर ऑल ऑफ दीस थिंग्स, फॉर ऑल ऑफ दीस, ये सारे यंगस्टर्स हैं जो पुटिंग इन देयर टाइम, ब्लड, मनी, स्वेट, व्हाटएवर इट इज, how is that performing and what is the football federation doing for these individuals? Yeah, honestly speaking, football federation haven't given much to the okay. Pakistani football. aur jin jo log affiliated rahe hain aur jo log inke sath chalte rahe hain, matlab ye puri ye mein sirf is wajah se nahi, puri duniya mein ye baat mashhoor hai ki it is the most UNESCO ke ek usme ek article mein ye publish hua tha ki it is one of the most corrupt federation in the world. wow, Pakistan football federation. I'm not surprised, guys. तो जो हुआ सो मतलब हमारे सामने ही है. हम फीफा ने हम पे बैन लगा दिया, हमारी फंडिंग्स बंद कर दी. हम आई थिंक 268 या 265 टोटल रैंकिंग है, इस तरह से हम 201 पे बैठे हुए हैं. ठीक है, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी होप नज़र आती है, बिकॉज हम लोगों का यार दिल है इस गेम के साथ. ठीक है, हम अब मुझे थोड़ी होप नज़र आती है. अभी रिसेंटली PFF ने अच्छा काम करना शुरू किया एंड आई होप दैट दे कैरी इट आउट. इसी तरह से विमेन नेशनल टीम फुटबॉल का कैंप लगा आफ्टर 6 or 7 years. ठीक है, और अभी एक चैलेंज कप, जिस तरह से इंग्लैंड में FA कप होता है और बाकी सारे मतलब UEFA कप होता है, इस तरह की एग्जांपल पाकिस्तान में एक चैलेंज कप हुआ करता था. अब वो बहुत अरसे बाद दोबारा से हो रहा है. ओके, और आई थिंक इसका क्रेडिट जो है वो जाता है डैनी को. डैनी बाय द वे इज द वन वो जो एथलेटिको मैड्रिड ने अपना सेटअप लाहौर में लगाया है ना, बेसिकली डैनी वॉज द वन टू कैरी दिस होल thing out. Yeah, okay. He did that. Abhi wo PFF mein technical director lag gaye. Where is he from? He's from Spain. Okay. Yeah, he's from Spain. Hai. Spanish hain aur wo unhone acha kaam karna shuru kiya hai aur abhi nazar aa raha hai ki yaar kaam acha hona shuru ho gaya. I just hope ki elections apne tareeke se roll out ho jaye aur uske baad mein pata chal jaye ki hum kya keh rahe hain. Theek hai. And wo ab now sorry main baat kar raha hu ki you're like ki this event is happening in Pakistan, theek hai, where all of these individuals will get to play. When can we expect this to happen? और उसमें जितने भी ये डिपार्टमेंटल टीम, जितनी भी डिपार्टमेंटल टीम है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है. KRL हो गई और बाकी सारी टीम okay, तो ये इट इज हैपनिंग राइट नाउ इन दिसंबर. एंड कोई कवरेज मिलेगी इनको फ्रॉम एनी न्यूज चैनल? अब ये बात है करने वाली कि हम लोग जो है इतने धस चुके हैं अपनी, हालांकि नो ऑफेंस टू आवर क्रिकेट, हमारी फेवरेट गेम भी है एज अ पाकिस्तानी. ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, हम देखते भी हैं उस तरह से T20 ये वो सारी लीग, इसका मतलब ये डेवलप हो चुकी है. लेकिन फुटबॉल को वो कवरेज कब मिलेगी जो सारी अटेंशन हमने वहां पे दी हुई है? आई थिंक इट्स टाइम कि हम फुटबॉल को उस तरह से उठाना शुरू करें. और जब एक ऐसा इवेंट हो रहा है इन द कंट्री, लाइक यू आर सेइंग, यू नो, इंटरनेशनल पीपल आर इन्वॉल्वड इन गेटिंग दिस डन, सो अब have you guys reached out to any network networking channels or have you, you know, koi progress aap log ki taraf se hui hai ki unko at least pata to chale ki something like this is happening? Yaar, I think PFF is already working on it because okay. last I remember the national team ka jo camp tha usko unhone ek do logo ke sath partnership karke digital media ke upar, conventional media ke upar nahi, digital media ke upar उसको थोड़ी सी कवरेज मिली थी. लेकिन माय पॉइंट इज व्हेन यू हैव PTV स्पोर्ट्स इन प्लेस, व्हेन यू हैव जियो सुपर इन प्लेस, व्हेन यू हैव ऑल दीस चैनल्स, देन व्हाई नॉट जस्ट कवर द होल इवेंट एंड मेक इट लुक लाइक अ लीग जिस तरह से बाहर के मुल्कों में होता है. मेक इट लुक लाइक अ कप जिस तरह से बाहर के मुल्कों में होता है. हम लोग वो नहीं करते और उनको पैसे चाहिए ना, गेम ही सारी है पैसे की. आप वही वाली बात करते हैं जो दिल से निकलती है. लाइक रीडिंग योर माइंड. हां नहीं यार, this is what I think ke yaar Fizan, these things are common sense jo obviously wo ab dekho you're training day and night, theek hai, ke you can showcase your talent. ye to bacche sare train kar rahe hain, jis tarah hamari pehle baat ho rahi thi ke ye they're putting in money in academies, they're doing so much ke apne sacrifice inki families tak kar rahi hai. inko ek bada network channel coverage bhi nahi de sakta.
आप ये देखें अली के, जिस तरह से हमने एक दिन पहले भी बात कर रहे थे कि इतने, जिस तरह से हम छोटे होते थे तो हमें क्रिकेट का शौक होता था, हम घर से बाहर निकलते थे क्रिकेट खेलते थे, अब वो चीज़ चेंज हो चुकी है. अब उस यूथ को, उन बच्चों को पता है कि रोनाल्डो कौन है, मेसी कौन है, नेमार कौन है, और अच्छे अगले प्रोस्पेक्ट्स कौन है, और वो अपने घरों से अकेडमीज में जा रहे हैं फुटबॉल की, और वो उन्हीं वही फैमिली अपने बच्चों के ऊपर 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का इन्वेस्ट कर रही है. जस्ट पुटिंग थिंग इनटू पर्सपेक्टिव के यार, लोग देख रहे हैं, लोग उस तरफ जा रहे हैं, लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं. एथलेटिको मेड्रिड को किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा. एथलेटिको मेड्रिड जैसा क्लब लाहौर में आके अपनी अकेडमी लगाता है. कुछ तो देखा होगा यार, बिल्कुल पोटेंशियल होगा तो नजर आया होगा. देर इज अ किड आई वॉन्ट टू मैंशन हेम, मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी का एक बॉय है, 12 साल का है मेरे ख्याल से. उसको बार्सिलोना ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, वाह लाहौर में है वो लड़का, पाकिस्तान में. कुछ वाह, तो है और ये ना, खबरें नहीं पता ये लोगों किसी को, को नहीं ये किसी पता, को नहीं ये कोई पता. नहीं बताता इस, मतलब कुछ है तो सही ना. तो या यार क्यों नहीं फिर हम उस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना शुरू करते, क्यों नहीं हम उस चीज़ को डेवलप करना शुरू करते. चलो एक चीज़ हो गई, दूसरी पे मूव ऑन करें. स्पोर्ट्स है यार आपके मुल्क ट्रू, की, मतलब फुटबॉल जो है मेरे ख्याल से फुटबॉल से बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है सवाल ही पूरी नहीं पैदा दुनिया में, होता, सवाल ही नहीं पैदा ठीक होता. है. और आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास लड़के भी हैं, आप पता नहीं. मैनेजर भी हैं आप तो. लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे समझ आती है अली, के वी नीड एजुकेटेड पीपल इन द सिनेरियो, इन द फ्रेमवर्क. हम लोग को, हम लोगों के लिए लाजमी है ना. ये आई थिंक डैनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. ये बंदा है, इसके 2 महीने की अपॉइंटमेंट के अंदर इसने नेशनल कैंप भी लगा दिया है लड़कियों का, इसने चैलेंज कप भी ओके करवाना शुरू कर दिया, इसने ट्रेनिंग भी ऑन कर दी. तो अब नाउ द गुड थिंग व्हिच आई वांट टू नो फ्रॉम व्हाट यू सेड इज के अब लड़कियों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू प्ले, एंड मतलब अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि कैंप लग रहा है, ठीक है, दे कैन गो ट्रेन देयर, देयर सो मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल देयर फॉर देम एज वेल. अच्छा अब अब यही हर वक्त इश्यू होता है कि लड़कों के लिए एक स्पोर्ट डेवलप हो रहा है, जैसे यू डोंट सी मच फीमेल्स प्लेइंग क्रिकेट इन पाकिस्तान, ठीक है, यू सी अ लॉट ऑफ फीमेल्स प्लेइंग फुटबॉल इन पाकिस्तान. तो डू दे ऑल्सो हैव अ फ्यूचर, व्हाट डू यू थिंक शुड बी कि होना किस तरह चाहिए निजाम कि लड़कियों और लड़कों को फुटबॉल में इक्वल अपॉर्चुनिटीज किस तरह दी जा सकती हैं. सर इसका एक एक ही सोल्यूशन है, और वो ये है कि लीग दी जाए, प्लेयर्स को लीग दी जाए. जब तक प्लेयर्स को वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जहाँ पे उनको डिफरेंट टीम्स के साथ कंपीट करना पड़ रहा है, एक डिसिप्लिन के अंदर आके मैच खेलने जाना जाना पड़ रहा है, पॉइंट्स लगे हुए हैं, हारने पे डिपेंड कर रहा है, जीतने पे डिपेंड कर रहा है, इंजरीज हो रही हैं, ये सारा एक प्रोसेस है. जब तक उसको, जब को वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा ना वो वाला, एक लीग वाला, एक कॉम्पिटिशन वाला, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता. इसका हल ही है, आप इनको लीग्स दें. अब लीग्स देने पे भी एक बड़ी डिबेट होती है. हमारे पास बहुत सारे साइंसदान हैं जो बैठे हैं, जो हर चीज़ हर किस्म की चीज़ बताते हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो. बात यह है कि आप लोग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लेके आओ ना, प्राइवेट सेक्टर को लेके आओ, मीडिया पार्टनर बनाओ एक टीवी चैनल को, उसके साथ राइट शेयर कर लो. ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, ठीक है. इसलिए मैं कह रहा हूँ एजुकेटेड लोग चाहिए हमारे लिए. आप राइट शेयर कर लें एक चैनल के साथ, आधे आपके आधे हमारे, हमारा कॉन्टेंट हम बनाएंगे आपको, हम कंटेंट बना के देंगे, आप उसको डिस्प्ले करें हमारे साथ, राइट शेयर कर लें, इतने पैसे आपके, इतने पैसे हमारे, आप भी कमाएं, टीवी वाला भी कमाए, उन लड़कों पे भी लगाएं, उन लड़कियों पे भी लगाएं जो खेलने आ रहे हैं. एक प्रेजेंटेड चीज, इतने टूर्नामेंट्स होते हैं अली, इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं, और इतने अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, जो कि लोकल लेवल पे होते हैं और वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं. और देख अगर ना, सॉरी, और अगर ये चीज चल जाए पाकिस्तान में, इट्स गोना ब्लो अप ब्रो, इट्स गोना ब्लो अप, बिकॉज़ हु डजंट लाइक एंजॉयिंग स्पोर्ट्स. Who doesn't like seeing, for example, I know you're playing in the league. Let's suppose, for example, मैं लाजमी देखूंगा because फिजान परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना? और इस तरह, एक everybody is gonna get behind you. अभी there's no one behind these guys at all. तो उस दिन एक जो फाइट हो रही थी आपने बैठ के देखी, because you knew a person जो बैठा हुआ था वहाँ पे, ठीक है? Exactly. फुटबॉल टीम के अंदर, एक टीम के अंदर या फुटसॉल टीम के अंदर either 7 or 11 प्लेयर्स होते हैं, या 5, 7 या 11 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 2-4 चेंजेस वाले भी होते हैं. दिस मीन्स के वो 12 लड़के या 12 लड़कियां डिफरेंट, 12 12 डिफरेंट घर से आएंगे, और जिनके साथ वो कम्पीट कर रहे हैं वो भी 12 डिफरेंट घरों से आएंगे. उनके कोचेज वगैरह मिला के ये 15 20 25 30 हाउस होल्ड बन जाते हैं. अगर उनके बच्चे, उनके जानने वाले और उनके इस तरह के जो वो हैं, वो टीवी के ऊपर आके कम्पीट कर रहे हैं, तो क्या वो लोग नहीं देखेंगे? कौन नहीं देखेगा, कौन नहीं देखेगा यार, सब लोग देखेंगे. ट्रू यार, अब यही तो इश्यूज है. अच्छा एक और चीज जो मैं और आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि फुटसॉल वर्सेस फुटबॉल इन पाकिस्तान, ठीक है ना? अब फुटसॉल
many people do know about it, but they don't know about it at the same time. ठीक है ना, who don't play obviously. Let's say I'm not a huge football, you know, analyst or fanatic. कि मुझे ज़्यादा details नहीं पता. I'm getting to know from you. But what is better right now as the sport is progressing in Pakistan? What should be the main focus, futsal or football? Yeah, I'll tell you something straight up. वैसे तो फुटबॉल और फुटसॉल की डिफरेंशिएशन ये है कि फुटबॉल होता है बड़ी फील्ड पे 11 a side 90 minutes game. फुटसॉल होता है छोटे टाइम के लिए छोटी स्पेस में कम लोगों के साथ. जो इंटरनेशनली फुटसॉल जिसको फुटसॉल कहते हैं ना, वो बेसिकली हार्ड टर्फ पे होता है और इंडोर स्पोर्ट है. ठीक है, और उसमें रोलिंग सर्व्स एंड एवरीथिंग. पाकिस्तान में हम मोस्टली जिसको फुटसॉल की तरह रेफर करते हैं ना, वो मिनी फुटबॉल है. वो 5-a-side, 7-a-side या 8-a-side सॉफ्ट टर्फ के ऊपर हो रहा है, या हार्ड टर्फ के ऊपर हो भी रहा है तो एस्ट्रो के ऊपर हो रहा है. ठीक है, लेकिन पॉइंट बीइंग वही लड़के हैं जो डिपार्टमेंटल लेवल पे 11-a-side फुटबॉल खेल रहे हैं, वही लड़के शामों में आके मिनी फुटबॉल खेल रहे हैं, मिनी फुटसॉल खेल रहे हैं. मेरे ख्याल से सिंस द हिस्ट्री ऑफ आवर फेडरेशन, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और सिंस एवरीथिंग दिस हैपेंड, फुटबॉल का कोई भी इवेंट आप PFF के साथ एफिलिएट हुए बगैर नहीं करवा सकते. यहाँ पे एक वो एक, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्रिकेट टीम ओनर है, वहाँ पे उन्होंने एक दिन ट्वीट कर दी अच्छे के हम एक फुटबॉल की लीग बनाना चाहते हैं. मतलब कि यार, अगर मैं और आप, मेरा और आप जैसे बंदा हो तो हम ये बात कहें यार कितनी फिट बात है यार ये, कि वो बंदा लीग करवाना चाह रहा है. और अगर मैं और आप फेडरेशन में बैठे भी हो तो हम कहें यार चलो, व्हाई डोंट जस्ट टेक हिम ऑन बोर्ड एंड डू समथिंग टुगेदर. इधर उनकी ट्वीट आती है कि मैं फुटबॉल लीग बनाना चाह रहा हूँ, उधर एक स्टेटमेंट आ जाती है कि कोई भी बंदा हमसे बगैर एफिलिएट हुए हुए पाकिस्तान में किसी भी किस्म का इवेंट नहीं करवा सकता. हमने भी नहीं करवाना, हमने करने भी नहीं देना. ये तो बदमाशी है. तो फिर कहाँ फिर ग्रोथ कैसे होगी, मुझे नहीं समझ आता. इसलिए कि मैं प्रेफर करता हूँ फुटसॉल को. ठीक है, ये बात है. ठीक, ये तो वो मसला है ना, 1919 से शुरू आता है. नहीं, सही बात है, सही बात है. पुराने हल निकाल सके अगर हम, मतलब जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता सब कुछ नहीं हो जाता, एक चीज डेवलप होते होते कहाँ की कहाँ चली जाती है, टाइम लगता है उसमें. इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ फुटसॉल को. वही लड़के जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है. वही लड़के जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, लेकिन फुटसॉल इन इटसेल्फ हैज डेवलप्ड इन पाकिस्तान इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि आग लगती है यार. और ये इस चीज की, ये जो देखने वाले हैं या जो खेलने वाले लोग हैं ना, वो चीज इस चीज की ये कह सकते हैं इस बात पे ठाक है कि ये चीज पिंडी इस्लामाबाद की शुरू की. लाहौर में पहले फुटसॉल नहीं था, कराची में पहले फुटसॉल नहीं था, फुटबॉल होता था. पिंडी इस्लामाबाद में ये छोटा मिनी फुटबॉल आया, 7-a-side, 5-a-side. और आई थिंक अब ये चीज है जो यही लड़के हैं जो आगे भी जाके फुटबॉल भी खेलते हैं. तो आप चलो, फेडरेशन के आपके साथ मसले हैं, सब कुछ है, फलाना है टमकाना है, आप आज उन्हें अपना फोकस इस तरफ शिफ्ट कर दो. और लोगों ने करना शुरू कर दिया. जिस तरह जब हमने एग्जांपल दिया था 18 बीइंग द पायनियर ऑफ इट, मैं हमेशा ही मानता हूं, नॉट बिकॉज़ आई वर्क फॉर देम, लेकिन यार मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं और दिल से बता रहा हूं अली, जिस तरह से हमारे हमारी जो हाई अप्स हैं, जिस तरह से हमारी मैनेजमेंट है, स्पेशली जो CEO है तारिक अमदी, जिस तरह से वो इनके साथ है ना, हमें अगर ऐसे दो चार लोग और मिल जाए ना पाकिस्तान में, हम लोग कहाँ के कहाँ चले जाएं, सेट हो जाएंगे. इस तरह इतनी सपोर्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी. मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ पे एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए कि मैं फुटबॉल का मैनेजर हूँ, मैं फुटबॉल कोचिंग कर रहा हूँ, मैं टीम मैनेजमेंट कर रहा हूँ, और मैं उसके साथ उस चीज के पैसे कमा रहा हूँ. अच्छा, एंड हाउ इज इट लाइक कोचिंग अ फुटबॉल टीम? हाउ इज इट लाइक बीइंग अ मैनेजर? बिकॉज़ अ लॉट गोज डाउन. हर एक यू नो अपने प्लेयर से आपने, you know, you have to be in constant conversation. Break down being a manager for me. Yeah, I think it's the hardest job when it comes to managing and people's scale. हमारे वो game के लिए love है तो हम उस वजह से करते हैं. लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, I captained my team in university, I captained my team in college, I captained my team उससे पहले उसमें भी जब मैं छोटा होता था, Red Devils में मैं खेलता था, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे players थे, बहुत crazy players थे. और ये भी एक अलग स्टोरी है कि जब मैंने वो क्लब ज्वाइन किया तो मैं एक साल बेंच पे बैठ के मैंने खेला. अच्छा. मतलब एक साल मैं बेंच पे था, मुझे टाइम नहीं मिलता था खेलने के लिए, एक साल मैं बेंच पे था. लेकिन वही स्ट्रगल, वही ग्रोथ, वही देखने का जो वो जज्बा था ना, फिर एक ऐसा टाइम था अली के, उस एक साल के बाद मेरे पूरे करियर तक मैंने बेंच स्टार्ट नहीं किया. तो खैर, ये वो मतलब ऐसी चीज है कि या आप में होती है या आप में नहीं होती. फुटबॉल टीम को मैनेज करना, खासतौर पर स्पेशली टीम 18 को मैनेज करना वाज अ डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज ये 12 के 12 लड़के टॉप नॉच लड़के हैंड पिक किए गए हैं. ठीक है, तारिक हमदी साहब ने किए हैं, खुद देख देख के किए हैं. okay. तो वो बंदा जो ब्रसल्स में खेलता रहा है यार, जो कायरो में, लंदन में खेलता रहा है और पैसे लगा रहा है, अगर इस चीज में ही नोज अबाउट
वो उनके से लेके गए, तो वो टॉप नॉच लड़के, वो क्रीम है लड़के पाकिस्तान के, उनको मैनेज करना मेरे लिए, आई यूज टू बी अ वेरी गुड प्लेयर बट नॉट द बेस्ट प्लेयर और द प्लेयर हु ऑलवेज स्टूड आउट उस वजह से. मेरा ये था कि मैं बोल के बहुत खेलता था, मैं चीखे मार के कमांड्स, ठीक है, तो मैं और मैं मतलब मेंटली अगले बंदे को उस तरह से वो कर लेता था उसके साथ, और हम एज अ यूनिट बहुत स्ट्रांग थे हमारी जो टीम थी. तो जब आप ऐसी टीम को मैनेज कर रहे होते हैं ना जिसमें हर लड़का एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. फिर उसमें फिर आपके गेम के अलावा बहुत सारी आपकी जॉब्स बन जाती हैं, जिस जो आपने मेंटेन करके रखनी होती हैं, जिसमें आपस में उनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग है, टीम मैनेजमेंट है एक दूसरे के साथ उनके, क्योंकि अब ये बच्चे तो हैं नहीं, ये कोई एकेडमी तो है नहीं कि मैं इनको स्ट्रिक्ट होके या मैं इनको डंडा देके, मुझे बहुत लोग मेरे साथ ये बात इस बात पे गिला करते हैं कि आप डंडा नहीं देते अपने प्लेयर्स को. यार पढ़े लिखे लड़के हैं, समझदार लड़के हैं, और जब तक बंदे में खुद ये रियलाइजेशन नहीं आएगी ना डंडे के जोर के अलावा, तब तक वो ठीक नहीं होते उस तरह से. तो मेरी अप्रोच ये है उसकी तरफ. तो बीइंग अ मैनेजर इन लड़कों को मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लड़के इज्जत करते हैं, उन्होंने मुझे देखा है अपने टाइम पे खेलते हुए, तो वो मेरी बात सुनते भी हैं, एंड आई कैन नॉट बी मोर थैंकफुल कि ये जितने भी लड़के हैं ये टॉप के लड़के हैं, क्रीम के लड़के हैं, और ये मेरी हाँ को या मेरी ना के आगे उस तरह से कभी भी बात नहीं करते, और मैं इनके इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूं. मतलब वही मैं कह रहा हूँ, आई कीप ऑन फॉलोइंग यू एंड माशाल्लाह द वर्क व्हिच यू आर डूइंग, द एफर्ट व्हिच यू आर पुटिंग इन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यू गो ट्रेन विद देम, ठीक है ना. Otherwise, भी you're managing events, you're promoting their tournaments, सारा कुछ, and single-handedly जब बंदा ऐसा करता है, I know because I've been through it and it takes a lot of effort, and you know, props to you for doing it, and I really hope this excels. अब now, ladies and gentlemen, there are two sides to Fizan Sameer, ठीक है ना? One is the football manager, the other is, you know, an actor, ठीक है, an influencer. And this guy knows how to make good ass content. जो साफ सी बात है, ठीक है ना? जो बहुत साफ सी बात है, because नजर आता है ना, you follow so many influencers, ठीक है man, you're reposting things, ये वो, but original चीजें, if you want to go, go follow Fizan Sameer on Instagram, ठीक है ना? Thank you so much, yaar. Thank you. अच्छा, दूसरी बात, यार, अब you know you're all of these things combined. अब ज़िंदगी जब शुरू होती है, it's not always you know sunshine and rainbows, obviously. तो everybody has a start. How was your start? यार अली, माय स्टार्ट वाज, कहते हैं अ बिट शेकी, माय स्टार्ट वाज अ लॉट शेकी. मेरा तो मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा, और बड़े कम लोगों को इस बारे में इल्म है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि आई नेवर वांटेड समवन टू सिंपथाइज विद मी फॉर व्हाटएवर द रीज़न इज़. थोड़ी सी क्लीशे बात लगती है, लेकिन जो गुजरा होता है उसको इस बात का ज़्यादा इल्म होता है. मैंने अपनी ज़िंदगी का वो जिसमें बच्चा ग्रो करता है ना और डिसाइड कर रहा होता है, अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, वो साल मेरी ज़िंदगी के बहुत टफ साल थे. मैंने 10 साल एक स्टोर में गुजारे, 10 साल ज़िंदगी के वो वाला साल एक स्टोर रूम में गुजारे, जो मेरे पास एक चारपाई होती थी और मेरे पास एक अलमारी होती थी, और अलमारी भी टूटी हुई होती थी बाय द वे, जैसे. तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है यार कि मेरे मतलब जब हम जवान हो रहे थे तो हर बंदे को ऑब्वियसली आगे पीछे जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होती है, बाइक की ज़रूरत होती है, या कुछ भी होता है. आई रिमेंबर मैंने 4 महीने लगा के 10,000 रुपये जमा किए थे कि मैं एक सेकेंड हैंड बाइक इंस्टॉलमेंट्स पे ख़रीद सकूं, 4 महीने लगा के. फिर मैंने वो बाइक ख़रीदा और वो मेरी खुशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी एंड एवरीथिंग. तो ये है कि खैर मैंने एक बड़ा ट्रबल चाइल्डहुड देखा है, और उस तरह से सपोर्ट नहीं देखी जिस तरह से यूजुअली हाउस होल्ड में होती है, और उसके अलावा भी बहुत सारे मसले थे. तो इस वजह से मुझे ज़िंदगी ने एक चीज़ सिखाई कि यार जिधर भी पहुंच जाओ, जो कुछ भी कर लो, एक चीज़ है जो कि आई थिंक हर एक ब्लेसिंग है अगर जिस बंदे को देखने को मिले, और उसको स्ट्रगल कहते हैं. अगर आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल देख लिया ना, तो आपको मंजिल की कदर आ जाएगी. आपको जब वो चीज़ मिलेगी, आप जब उस पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो आप उसको आपको उसकी कदर आ जाएगी बेसिकली कि यार मैंने मेहनत की है जिसकी वजह से मुझे ये फल मिला. मेरे दोस्त होते थे यूनिवर्सिटीज़ में जो जिनके अब्बू उनके गाड़ियाँ लेके दे देते थे, और जिनके पास खाने पीने के बेशुमार पैसे होते थे, उनकी कंबाइंड स्टडीज़ भी डिफरेंट किस्म की होती थी, उनकी ऑब्वियसली ईटिंग आउट भी डिफरेंट किस्म की होती थी, उनका स्टैचर ही डिफरेंट किस्म का होता था, लेकिन दोस्ती यारी उनके साथ हो गई थी. और मैं अब अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा करता हूँ ना कि यार शुक्र है मैंने वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं देखी. क्योंकि जब मैं अब उनको देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, और मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ कि यार अच्छा चलो क्या फ्लो है ब्रो,
ऐसे भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा खुद भी कुछ करना चाहिए. और यही होता है ब्रो, इसी तरह ये कि अनटिल और अनलेस यू डोंट गेट टू एक्सपीरियंस दीस थिंग्स योरसेल्फ, सी द स्ट्रगल योरसेल्फ लाइक यू हैव, एंड नाउ इन एवरी स्टेप ऑफ द वे यू नो हर एक चीज की वर्थ आपके लिए ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना. हर एक एक रुपया जो आपने अपना जाती कमाया हुआ है अपने इन दो हाथों से, फिर आप कहते हो ऑल राइट, ठीक है ना, अब खर्चना भी मुझे सही है. या अब मेरी कल्टस मेरी है. हाँ. और मेरा मेरी सेंट्रो मेरी है. सेंट्रो तेरी है, मेरी कल्टस मेरी है, ठीक है. तो ये चीज ये समझाना है यार. और यही अपनी प्राणो टाइप है बिल्कुल. शाउट आउट टू पिंडी वर्ल्ड राजा जी. तो अच्छा, अब नाउ यू फेस द स्ट्रगल, ठीक है ना. And now you're a famous ass guy, ठीक है ना. I know it for a fact, ठीक है ना. And mashallah कहना चाहिए, because I've seen you a year or two back, ठीक है ना. Still, then be you were struggling, you were team 18, ठीक है ना. And the good thing I liked about all of this is के usually when people reach a level of stardom, they leave, you know, जो बाकी सारी पुरानी चीज़ थी, they leave it behind. They're looking forward to the new life, the new things, new luxury, glamour, whatever you call it. But you stuck to all of those things as well, साथ साथ. What made you do that? यार अली, मैं अपने आप को अभी उस तरह से, मतलब आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ बड़ा कोई सीन या बड़ा कोई ये वो. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ एंड एवरीथिंग. लेकिन एक चीज़ जो क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, आई नो वट पीपल गो थ्रू. और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. मैं आज भी वापस जाता हूँ, मतलब मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो अपने बच्चों को कहते थे यार इससे दूर रहना तुम्हें. ये दिस इज नॉट द गाय वी शुड सी यू हैंगिंग आउट विद. अब वही लोग हैं मुझे कॉल, हालांकि अल्लाह तो बस इस तरह बात ही करनी चाहिए. लेकिन दिस इज अ फैक्ट कि वो लोग फोन करके कहते हैं यार आई नहीं हो यार, मतलब आई नहीं हो, इतना अरसा हो गया आई नहीं हो यार, आई नहीं हो. और मैं उनसे उसी तरह बात करता हूँ, सर नहीं थोड़ा मसला था, काम था, ये था वो था, जो भी था. तो शायद यही वजह है कि बुरा टाइम देखा है ब्रो. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि शायद बुरा टाइम देखा है, इस वजह से अच्छे की कदर है. लेकिन ये एक बात जरूर है कि जो मेरी बेगम है ना, उसको इस चीज़ की मुझसे फॉर सम रीजन बहुत ज़्यादा समझ है. हालांकि वो शी इज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर आई थिंक शी इज वन ऑफ द पायनियर्स, आई थिंक बिगेस्ट इंस्टाग्रामर इन पाकिस्तान. और जब से वो कह रही है मुझे नहीं पता, तब मुझे पता भी नहीं होता था. बाय द वे शाउट आउट टू वलिया नजीब, ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ. नहीं उसके मतलब ऑनेस्टली मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने उसको काम करते हुए देखा है और मैंने देखा भाई लोग उसके इर्द गिर्द कैसे होते हैं. लेकिन उसको मुझसे इस बात की ज्यादा समझ है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज द बैलेंस इन बिटवीन बोथ दीज लाइफ, वट रियली मैटर्स. अम्मी के साथ टाइम गुजारना, नानी के साथ टाइम गुजारना, और उसके अलावा जो मैं उसका बिहेवियर देखता हूँ लोगों के साथ, मैं इंसान को एक चीज़ पर जज करता हूँ जो मैंने चीज़ एक सीखी है. और मेरे लिए सक्सेस भी यही है अली कि अगर मैं हम अभी यहाँ पे बैठे हैं गपशप लगा रहे हैं, ठीक है, मैं जब चला जाऊँगा यहाँ से, अगर मेरे बारे में बात हो तो अच्छे अल्फाज में. एग्जैक्टली ये सक्सेस है मेरे लिए. जब खैर मेरे लिए तो चलो था, मैंने तो अभी ये काम शुरू किया, उससे पहले मैं तो चार चार नौकरियां कर रहा होता था यार, एक टाइम पे सोने का टाइम नहीं मिलता था, तो मेरे को नखरे शखरे को चक्कर ही नहीं था ना कोई. तो जब मैंने बेगम को देखा ना, जब मैंने वलिया को देखा यार कि इसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मतलब अगर ये चाहे तो कितने आराम से डिट्रैक्ट हो सकती है और ये इस लाइफ को रियल लाइफ को कर सकती है. लेकिन उसमें इतनी समझ बूझ है, और फिर उसकी वजह से भी मैं थोड़ा सा ठीक हो गया. फिर मेरा लोगों के साथ रवैया मजीद थोड़ा बेहतर हो गया. आई बैक इन माई टाइम मैं थोड़ा अजीब होता था यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे मसले मसाइल चल रहे होते थे, मैं होता था थोड़ा सा अजीब. ऑब्वियसली हर लड़के को पैसे चाहिए होते हैं, हर बंदे को पैसे चाहिए होते हैं, तो मैं मतलब हम हसल कर रहे होते थे और उस हसल में बहुत सारी गलत चीज़ें भी इंसान कर जाते हैं, ठीक है. तो वो जब मैंने इधर देखा तो मुझे जब मेरी बेगम से वो वाइब मिली ना, तो मैंने कहा यार भाई तुम ही हो तुम ही हो बेहतरीन. अच्छा यार अब यू नो लाइफ इज एन इन्फ्लुएंसर, पहली बात कि एकदम द अमाउंट ऑफ स्टारडम यू गॉट, द अमाउंट ऑफ फैंस यू गॉट, हाउ डिड यू रिएक्ट टू दैट, व्हाट डिड यू फील कि यार कि इज दिस व्हाट इज मेंट फॉर मी और आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, दिस इज टू मच प्रेशर. यार अली ऑनेस्टली ये जो एक तो ये जो वर्ड इन इटसेल्फ है ना इन्फ्लुएंसर, ये थोड़ा सा मुझे भी और थोड़ा सा नहीं समझ आता उस तरह से. हाँ ऑब्वियसली आप लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं और उस इंस्पिरेशन लेते हैं, जिस चीज़ को ऑब्वियसली हम प्रमोट कर रहे होंगे उसके पीछे जाएंगे भी, जो बात हम करेंगे उसको सोचेंगे भी, तो आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर. बट
मुश्किल काम है यार दोस्त, मुश्किल काम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम भी जब मतलब मैं भी जब पहले बैठा होता था और देखता था, उस टाइम ये नया नया फ्लो आया था इंस्टाग्राम के ऊपर और इस तरह से बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूब एंड एवरीथिंग, तो जब पता चलता था कि यार इस चीज़ के पैसे लेते हैं, पोस्ट लगाने के पैसे लेते हैं या पेड प्रमोशंस हो रही होती है या इस तरह की चीज़ होती है, तो यार पैसे क्यों नहीं, पोस्ट ही तो लगानी है मतलब इसमें, या वीडियो ही तो बनानी है, इसमें पैसे किस चीज़ के हैं। पेड प्रमोशंस की बात करूँगा, किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। अब जब खुद करते हैं ना तो यार मुश्किल काम है दोस्त, बहुत मुश्किल काम है। और मेरे लिए मुझे शुरू से ना थोड़ा सा शौक था वीडियोस का, फिल्म मेकिंग का, एक्टिंग का, ड्रामे का। यूनिवर्सिटी में भी हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी फिल्म में घुसे ही होते थे। कि मैं फिल्म को फिल्म कह रहा हूँ बिकॉज ये हमारा थोड़ा सा चलता है आपस में जब हम स्लैंग में बात करते हैं, फिल्मी लोग हैं हम थोड़े, फिल्मी लोग हैं, फिल्मी लोग, फिल्मी। तो उसमें मुझे शौक था, और ये ज़रूरी है कि आपको शौक हो, और ये भी ज़रूरी है कि आप उसको एज अ फन, एज अ नेचुरल चीज़ लेके ट्रीट करो। अगर एक चीज़ में जाके प्रिटेंड करूँगा ना जो मैं नहीं हूँ, तो वो लास्ट नहीं करेगी। हमारे जो हमें जानते हैं ना, वो हमारे पीछे हमेशा ये बात करते हैं कि यार ये दो जिस तरह से कैमरे के सामने ना, पीछे भी उसी तरह से। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मैं अपने आप को कंसिडर लकी कंसिडर करता हूँ कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिल गया कि हम वैसे भी ऐसे ही। शुरू में मुझे था कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ये हेट कॉमेंट्स आ रहे हैं और मुझे अब तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा। What's the worst thing someone said to you? यार, there's been lot of shit that I've heard in all this time, लेकिन बस बहुत माँ बहन यार बहुत अजीब भी हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं यार, गंदे हो जाते हैं। मतलब कि चलो ये तो होता है ना कि यार आप लोग आपको कह देते हैं और ये क्या, चलो शक्ल पे कॉमेंट कर देते हैं, चीज़ों पे कमेंट कर देते हैं, बोलने के स्टाइल पे कमेंट कर देते हैं, दैट्स ओके। मैं उनको उस बात पे नहीं कह सकता बिकॉज वो नहीं, चलो गंदे हो जाते हैं ना ब्रो। मेरा तो दिल करता है मैं घुस के बुलाए उसको, उसको वन टू वन पे बुला दे बेटा, वो बचेगा नहीं। तो शुरू में मेरे लिए ये मसला था, लेकिन ओवर द टाइम रैंक मतलब हैट्स ऑफ टू वरिया, उसने जिस तरह से मुझे चीज़ें समझाया, उसने कहा यार आई बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दिस इज हाउ यू डील विद इट, यू जस्ट इग्नोर इट। और जहाँ पे आपको लगे कि यार, जहाँ पे मेरी आदत है, मैं हमेशा से ना बुलशिट कॉल आउट की है, हमेशा से, हमेशा मेरे बहुत मसले इस बात पे जिंदगी के बने कि मैंने हमेशा बुलशिट कॉल आउट की है। लेकिन बस शुरू में मुझे वो मसला होता था, मैं पढ़ जाता था उनसे बात कर, या चलो पूछ लेते ना, अच्छा मसला आ गया, आप पूछ लो, बस चलो मतलब मसला आ गया, इन लोग को और कुछ करने का मिलता नहीं है कि you just find some dude online and you start going after them। कसम से यार, मतलब अच्छा, what about in real life? के मतलब when you interact with fans, like what's the wackiest thing someone has done? यार एज सच तो मुझे मतलब ऐसा, मेरे साथ जो ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है वो ये इस तरह, फैंस उस तरह से नहीं यार, मेरे को तोबा करो यार, मेरे कौन से फैंस हुए, लेकिन ये है कि ऐसे ज़रूर होता है कि लोग आते हैं पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेनी है, तो दैट्स अ स्वीट थिंग आई थिंक, उसमें तो इशू उस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, दिस इंसिडेंट हैपेंड विद अस व्हेन वी वर इन लाहौर, और थोड़ा सा वो अजीब मुझे लगा कि हम लोग गाड़ी में जा रहे थे यार, और एक बंदा बाइक पे आगे जा रहा था और वो बाइक चला रहा था, और बाइक को यूं चला रहा था, लेकिन था वो यूं, उसने फोन ही उठाया कैमरे के साथ, हाँ कैमरे के साथ फोन ही उठाया और फ्लैश भी ऑन किए हुए ब्रो, उसके तुम गड़ से को उसने फ्लैश भी ऑन किया हुआ, यू पीछे बाइक को यूं चला रहे। मैंने उसको देखा, मैंने कहा मरेगा यार ये, इसको कुछ हो जाएगा। तो ऐसे फिर मैंने उसको हॉर्न शॉर्न दे के मैंने कहा यार बाइक तो सीधा चला ले भाई, आगे जा, क्या कह रहे। उसकी फटी नहीं एकदम कि यार ये तो मेरे लिए रुक गया है, अब तो मैं गया यार उसको, मतलब जब मैंने उसको, वो रुक गया, वो एक्चुअली रुक गया, ठीक है। फिर मैंने शीशा नीचे करके उससे बात भी की, मैंने कहा ब्रो तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, मतलब बाइक तू आगे चला रहा है, देख तू पीछे रहा है। कहते सर बस आप लोगों को देख लिया, तो मैंने कहा फिर मैं चुप, फिर यहाँ हम पिघल गए, यहाँ पिघल गए। तो फैंस के लिए तो ये बनता है ना, यहाँ हम पिघल गए। The amount of love you get as well compared to the hate, that must, you know, overwhelm you. और सारे मसले फिर मतलब कहता होगा यार छोड़ो, एक दो अगर बकवास कर रहे हैं और अगर इतने ज़्यादा हज़ारों अच्छी बात कर रहे हैं मेरे लिए, तो man, screw it, let them go. हाँ, ये फंड है दोस्तों, आपने भी बता दिया, ये फंड है। अच्छा, और एक्टिंग,
एक्टिंग की मेरे सिनेरियो था, बिकॉज माशाल्लाह फिजान इज नाउ ऑन एक्सप्रेस टीवी, ठीक है, हिज एपिसोड हिज शो एयर्स एवरी मंडे नाइट एट 8 PM, राइट? मेरे दादा की विरासत, मेरी दादा की वसीहत, वसीहत, सॉरी मेरी उर्दू तो पता है, ओए लेवल लड़का हूं मैं, ओए लेवल लड़का हूं तो थोड़ा मसला हो जाता है. लेकिन व्हाट अबाउट दैट, हाउ वाज द ट्रांजिशन इनटू एक्टिंग यार, बिकॉज़ दैट्स नॉट इजी यार. मैंने जैसे अभी मेंशन किया, शौक कीड़ा मुझे था शुरू से, डांस डूस भी मैं ठीक कर लेता था, खैर अभी भी कर लेता हूँ, मजाक नहीं है. स्टेप क्या तो डांस डूस करने का मुझे, मतलब ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में लड़कों के लिए कहना थोड़ी सी अजीब फील करती है उस तरह से, लेकिन उसमें कोई बुरी बात नहीं है. मतलब एक्टिंग का मुझे शौक था, हाँ मैं कहता हूँ, डांसिंग का मुझे शौक था, हाँ मैं कहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं. ये चक्कर इस तरह से शुरू हुआ अली, कि मैं यूनिवर्सिटी में प्लेज वगैरह करता था और किसी एक दो म्यूज़िक वीडियोज़ में भी मैंने काम किया हुआ था, और ये भी समहाउ रिलेट होती है मेरी एक लाइफ स्टोरी से, कि मुझे बहुत जल्दी ये समझ आ गई कि दोस्त पाकिस्तान में रहना है तो नौकरी शौकरी वाला फ्लो नहीं है, तो आप नहीं कर सकते. आपकी मैक्सिमम अचीवमेंट 30 साल बाद ही होगी कि आपने एक कोठी बना ली होगी या एक गाड़ी ले ली होगी या बच्चों को थोड़ा सा सेटल कर दिया होगा, तो वो तो नहीं करना था हमने. हमने वो तो नहीं करना था, हमने कुछ और करना था. तो उस चक्कर में फिर हम हर चीज में अंदर गुस्से और गुस्सा पड़ता है और गुस्सा पड़ता है आपको. 2020 चल रहा है ऐसे थोड़ी है. तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली बेसिकली इमरान रजा काजमी और हरीम फारूक से. ओके ओके. उन्होंने मुझे और वलिया को दोनों को एक टाइम पे उन्होंने कहा कि हम, मतलब इस तरह से उन्होंने हमें ऑफर दी. ओके. और वो भी जब मतलब आई थिंक हमें ब्रेक देने वाले तो वही लोग हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम, मैं तो ये जरूर कहूँगा. और वो भी जब उन्होंने हमें बताया, अच्छा हाँ मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि जब उन्होंने हमें ऑफर की ना, तो मेरा और वलिया का निकाह होने वाला था इन 2 weeks और उसकी शूट, उसका शूट शुरू होने वाला था इन 2 weeks. तो मैंने, क्योंकि अब सब कुछ हमने खुद करना था ब्रो, और शादी का भी सारा कुछ खुद करना था, सब कुछ खुद करना था. तो मैंने और उसने, मतलब मैंने ये डिसाइड किया, मैंने वलिया का, कि तुम करो ड्रामा और मैं करता हूँ ये तैयारी. तो उसने भी कहा कि नहीं यार, वो उसने मुझे कहा कि तुम करो ड्रामा मैं करती हूँ तैयारी. तो फिर somehow we just ended up doing it. और वो भी साथ 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 चल रहा था. Everything worked out really well. Everything worked out really fine. तो अच्छा एक्सपीरियंस था यार, मतलब हमने बहुत सीखा उससे. मैंने अपने काम के लिए, अपना जो मैं काम जो हम लोग करते हैं, मुझे इतना सीखा मैंने उस 60 दिन के स्पेल से जो मुझे कभी भी वैसे ना पता चलता. ये डायरेक्शन और कैमरा और ये और वो और लाइट सारा, ये सारा कुछ मैंने वहाँ पर सीखा. वहाँ पे मेरा जब सीन खत्म होता था ना, मुझसे तंग आ गए थे आखिर में क्रू वाले. अच्छा? मेरा सीन खत्म होता था, मैं जाके डायरेक्टर के साथ बैठ जाता था. इसी तरह ही होता है ब्रो, इसी तरह होता है, लोगों के पीछे पढ़ना होता है. मैं डायरेक्टर के साथ बैठ जाता था और मैं कोई बात नहीं करता था, बस मैं देख रहा होता था ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं. फिर उधर से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. बट यू आर सेइंग कि दिस इज समथिंग यू वांट टू परस्यू, मतलब अब मेरा थोड़ा माइंड सेट थोड़ा चेंज हो गया. मतलब पहले मैं काम करना चाहता था इंडस्ट्री में ड्रामा, लेकिन अब मैं जब मैं देखता हूँ बड़ा रियलिस्टिक किस्म का सिनेमा, बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का सिनेमा, तो अब मेरा काम करने का भी जो दिल करता है ना, वो उसी तरह के काम करते हैं. और वो ब्रो हम लोगों को साथ मिलके स्टार्ट करना पड़ेगा. हम जैसे लड़के मिलेंगे, जवान जेन मिलेगा, कंटेंट सही वाला, उस तरह का कंटेंट. लेट्स डू इट ब्रो, आई एम डाउन. हां हां, ये तब बताता हूं, पिंडी पे बनाएंगे ब्रो. इतनी कहानियां कहानियां अंदर गलियों में घुसो, बदमाशियों वाली कहानियां सारी, हर किस्म की कहानी आपको मिलेगी. गुज्जर ते हर किस्म की कहानी. और वही सीन है हमारा, हमसाया मुल्क क्या कह रहा है आपके सामने. अब आज हम बैठते हैं, ब्रो तूने वो सीजन देखा है? मैं नाम ब्रो तूने मिर्जापुर देखा है? ब्रो तूने बताल लोग देखा है? ब्रो तूने गैंग ऑफ वासेपुर देखी? हमें पसंद आती है रियलिस्टिक सिनेमा, ऐसा है ना. तुम्हें क्या लगता है, कराची तुम जाओ, लियारी तुम जाओ, पिंडी वाली साइड पर तुम जाओ, अडियाला वाली साइड पर तुम जाओ, अराय मोहल्ला तुम जाओ, इस तरह की कहानी हर घर में है. घर में इस तरह की कहानी है, हम क्यों नहीं उसको उसको क्यों नहीं बनाते? नहीं, the vision which you have and the direction which you're going towards, I like it, bro. मतलब और इसी चीजों पे, raw चीजों पे ज़्यादा focus हो ना, तो people देखते हैं. If we make shit up ज़्यादा कि you know कि fantasy world में कहानी बनाई है, वो लोग कहते हैं यार, you've seen like 100 things like this, raw अंदर की कहानियाँ, कोई politician की अंदर की कहानियाँ ही पाकिस्तान की निकल जाए ना. I hope I don't get fucked for this. लेकिन लेकिन अगर तो that's something else, man. You have to take a start, ना. Yeah, you have to take a start. अब किसी क्रिमिनल स्टोरी के ऊपर तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा ना. देखो वी डोंट वांट टू प्रमोट इट, वी जस्ट वांट टू शो के एक्चुअल कहानियां क्या है. एंड दे एंड अप इन जेल, दे एंड अप डूइंग नथिंग, दे एंड अप
इन स्ट्रीट्स, सबको पता है ये बात. तो मैसेज भी आप अच्छा ही दे रहे हो, मैसेज आप बुरा नहीं दे रहे हो, आप उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल कहानियों पे, इस तरह की चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है. और वो मेरे ख्याल से ये लोग नहीं कर सकते जो गाने बनाते थे तो आगे लड़का बस यूं चल रहा होता था और लड़की भी चढ़ास कर रही होती थी. वो उस जमाने में बेहतरीन था, लेकिन आप आजकल के दौर में, आजकल के दौर में भी यार, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देखें बैठने को तो आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो हमारे 100 मसलों की वो जड़ है, वो सारा मसला. आप बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं, आप क्यों नहीं बनाते. और बहुत जरूरी भी है यार. फिर वही बात आ जाती है कि आपको, आप पे फिर बैन लगना शुरू हो जाते हैं आपको. वो कुछ कितने सालों बैन था. अब ये भी एक कहानी, ये भी एक रियलिटी है. इतना मैं शाउट आउट देना चाहूंगा, चुड़ैल्स आपने देखा है? चुड़ैल्स जरूर देखो यार, ठीक, जरूर देखो. मैं आपको 110% रिकमेंड. पाकिस्तानी सीरीज है, Z5 पे रिलीज हुई है. Z5 एक इंडियन प्लेटफॉर्म है. व्हाटएवर द केसेस, बट नहीं होने दिया आप लोगों ने यहाँ पे रिलीज, वहां पे हुई है ना जाके. ट्रू, वो देखो, वो अवेयरनेस है यार. फिर लोग कहते हैं हम अपनी औरतों को, hey, let's just not go there, but we have to यार, we're in 2020, you have to give people entertainment. हमारे पास क्या है करने के लिए? Especially because of the entire COVID lockdown situation, there is only content. कितने लोग content बनाना शुरू हो गए हैं bro, जब से COVID शुरू है, have you noticed? बिल्कुल ऐसे ही. हर दूसरा बंदा, he has the camera now and he's on YouTube, and this is how it should be. Exactly. This is how it should be. जब इतना सही आपको जरिया कमाई का, खैर मुझे अभी तक नहीं आया, लोग ये ना सोचे, लेकिन जब आएगा मैं बताऊंगा. लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, where you can, you know, conquer the world, man. I've seen people who are content creating के वो, they have Ferraris यार, they have Rolls Royces, और सिर्फ क्या, YouTube. YouTube. अब यही लोग हैं जो आपके टिकटॉकर्स को गालियां देते हैं, उसको क्रिंज कंटेंट कहते हैं, और उसको ठीक है एक हद तक है भी, लेकिन उनकी लाइफ में और क्या एंटरटेनमेंट है, उनके पास और क्या है करने को. एक बंदा जो गांव में बैठा हुआ है वो 10 अपने अपना टाइम निकाल लेता है कंटेंट बना के, इवेंचुअली वो उससे पैसे बनाना शुरू कर देगा, इवेंचुअली वो लोगों इस तरह से, लेकिन उसको इसके अलावा क्या एंटरटेनमेंट दी हुई आपने कि चलो एक बंदा यार अपना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है, आता है थोड़ा टाइम लगाता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाता है उसकी जिंदगी में, यार मैंने ये वीडियो निकालनी है, ये आइडिया निकालना है, ये पोस्ट करना है, ये करना है, ये करना है, मतलब वो काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है जिंदगी में. आपने उसको क्या, आप इस जहां से हम शुरू हुए थे वहीं भी आगे, स्पोर्ट्स तक तो आपने खत्म कर दिया अपनी जिंदगी में. एंटरटेनमेंट क्या है लोगों की जिंदगी में? सही कह, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सब बंद पड़ा है. और स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट की बात करूं, हमारे लिए एक ही एंटरटेनमेंट है, वो है खाना. मतलब इफ यू कंपेयर अस टू अदर कंट्रीज, इधर एंटरटेनमेंट है ही नहीं. घर वालों के साथ बाहर जाए खाना, दोस्तों के साथ बाहर जाए खाना, लड़की के साथ बाहर जाए खाना. लड़ाई किस बात पे हो रही है? खाने पे. हर घर का मसला, हर चीज खत्म होती है आगे खाने. Yeah. तो बस हमारे पास कुछ है ही नहीं. अच्छा फिजान, नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड इट हैज बीन अ रिमार्केबल एपिसोड. इतना मजा आया यार, एंड आई एम बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, यू नो वी नीड पीपल लाइक यू टू कम ऑन, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट यू कम ऑन द नेक्स्ट टाइम एज वेल. ठीक है ना? इंशाल्लाह, फॉर श्योर. यू हैव एनी स्पेसिफिक मैसेज फॉर द पब्लिक व्हिच यू हैव टू, यू नो, यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग इट? देयर इज योर कैमरा. यार आई जस्ट वांट टू से the whole scenario of the, and the whole process of committing hate on people and their platforms, I think it takes a lot of guts to come out aur is tarah se cheeze banana logo ke liye, and especially hats off to all these girls yaar jo ke Instagram influencers hain ya waise content creators hain, jis tarah ki cheeze inko face karni padti hogi main to imagine bhi nahi kar sakta. लेकिन मेरा आप लोगों के साथ, आप लोगों को कहने का मकसद सिर्फ ये चीज़ है कि यार आपके सामने ऑप्शंस हैं देखने के लिए चीज़ें. आपको चीज़ एक नज़र आती है, अगर आप उसको, अगर आपको पसंद आती है आप उसको लाइक करें. आपकी मर्जी है शेयर करना चाहते हैं शेयर करें, आपकी मर्जी है इंगेज करना चाहते हैं इंगेज करें. नहीं पसंद आती तो भी आपकी मर्जी है स्क्रॉल अप कर दें या अनफॉलो कर दें. जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करें, जिए और जीने दें. और मेरा आप लोगों के साथ यही मैसेज नहीं है बल्कि एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि जिए और जीने दें भाई. ब्यूटिफुली सेड बाय फिजान. लेडीज एंड जेंटलमैन, एपिसोड नंबर 26 drop soon. Fizan Samir, the one-to-one podcast. Like, subscribe and share. Fizan, ring the bell. Thank you so much, Ali. Before I ring the bell, I just want to give you a huge shout out. Yeah, thank you so much. Thank for you. Calling me. And it's a great setup. Thanks. Allah aapko aur kamyabi de, aapne bhi bahut mehnat ki hai. Aur inshallah bas abhi ab aapko aane wale 5 saalon mein ek film mein ya ek cheez mein nazar aayegi. Oh yes. Oh yes. On that note, I'll just ring the bell now.